चलिए स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। देखो, कोई भी हमें क्या करना, नाम से ही पता चलता है दैट वी हैव टू जनरेट अ न्यू प्रोडक्ट। और कभी भी न्यू प्रोडक्ट को जनरेट करने से पहले बहुत सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं, जिसको आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी नाम दे सकते हो। ओके, सो ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों किया जाता है? इट इज़ जस्ट टू डेवलपमेंट टू शेप द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। और अगर कोई कंपनी सक्सेसफुल होती है तो ये एक बहुत की रोल प्ले करता है फॉर द सक्सेसफुल फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। ओके, सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिमांड्स एफर्ट्स, टाइम एंड टैलेंट। इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेबली हाई रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ फेलियर। हाँ, ऑफकोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो बहुत हाई रिस्क एंड फेलियर होता ही होता है। ठीक है, नॉर्मली हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि भाई इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है भाई, अब आपको नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो कैसे करोगे? देयर हैज़ टू बी फर्स्ट एन आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेट होगा तभी क्या करोगे उन सारे आइडियाज़ में से, क्योंकि देखो एक प्रोडक्ट जब डेवलप होता है ना तो उसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एकदम एक ही यूनिक आइडिया हो, देयर कैन बी मेनी आइडियाज़ ऑल्सो। सो उसमें से आप क्या करोगे, सबसे बेस्ट आइडिया क्या करोगे, स्क्रीन करोगे। स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं ना बहुत बार, स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब जो प्री एग्जामिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसमें बहुत सारे लड़कों को क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं एंड उसके बाद आप मेन्स स्टेज में जाते हैं। तो वैसे ही काम है कि भाई बहुत सारे आइडियाज़ में से आप क्या करोगे, पहले स्क्रीनिंग करोगे कि भाई कौन सा फिजिबल है, दैट्स इट। ओके, और किसकी कंपैटिबिलिटी को हम एग्जामिन कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, स्टेज थ्री में क्या होगा, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब आपको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑन ग्रुप ऑफ टारगेट कस्टमर फॉर आइडिया वैलिडिटी। आप क्या करोगे, आप चार लोगों से पूछोगे कि भाई ये प्रोडक्ट है आपको कैसा लगे, अगर ये चीज़ सक्सेसफुल होता है या फिर अगर ये चीज़ मार्केट में आ जाती है तो वेदर इट इज़ फिजिबल फॉर यू और नॉट। अगर उनका क्या होता है, उनको ये चीज़ बिल्कुल सही लगती है या फिर उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई अगर ये हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, सो दैट इज़ सिंपली लीड टू द टेस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑल्सो। एंड फिर उसके बाद क्या करोगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओगे। क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला है कि एक तो हाई रिस्क होता है, ऊपर से कॉस्ट ऑफ फेलियर भी बहुत ज़्यादा। तो जितनी भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जितने भी फाइनेंशियल एनालिसिस की जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट, वो पहले ही कर ली जाती है। ओके, सो दैट्स वाई उसके बाद आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हो एंड डेवलपमेंट। ये एक पॉइंट है जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उनको क्या लगता है कि प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है, बट ऐसा नहीं है, पहले डिज़ाइन की जाती है। फर्दर बिजनेस एनालिसिस कि भाई कितना खर्च आएगा या फिर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो सकता है, या फिर अगर कोई नया आपको क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है उसके रिगार्डिंग, तो क्या सिचुएशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड लास्टली प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप क्या करोगे, उसका प्रोटोटाइप बनाओगे, उसके बाद आप उसको मार्केट में डालोगे टेस्ट करने के लिए, टेस्ट मार्केटिंग, और उसके बाद आप जाके कॉमर्शियलाइज करोगे, कहने का मतलब नॉर्मल लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल करवाओगे। तो वो स्टेज एट में होता है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल एक एप्टीट्यूड की तरह क्या कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो या नॉर्मल समझने के टर्म्स में इन सारे चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, तो बस एक बार नज़र से उतार लोगे ना तो ये मतलब बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, भाई कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं कि वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। देखो, एक तो या तो आपका आइडिया ही फॉल्टी हो, ठीक है, प्रॉपर स्क्रीनिंग ना करी हो आपने। आइडिया इज़ गुड बट मार्केट साइज इज़ ओवर एस्टिमेटेड। आपने एक्स्ट्रा मार्केट साइज एस्टिमेट कर लिया, कहने का मतलब कि आपको एक लोकल रीजन में ही उसको पहले लॉन्च करना चाहिए था, बट आपने सोच लिया कि मैं पूरे के पूरे इंडिया में क्या कर दूंगा, लॉन्च कर दूंगा। सो ओवर एस्टिमेट कर लिया आपने। नॉट वेल डिज़ाइन और इनकरेक्टली पोजिशन इन द मार्केट, आपने उसको प्रॉपरली पोजिशन नहीं किया, कहने का मतलब कि आपका प्रोडक्ट टॉप 10 में लायक नहीं था लेकिन आपने उसको टॉप 3 में रख लिया, ऐसा समझ के आपने क्या किया, उसके सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप किया। सो ऑफकोर्स वो वर्क नहीं करेगा। लास्टली, डेवलपमेंट कॉस्ट्स आर हायर देन एक्सपेक्टेड, कॉम्पिटिटर्स फाइट बैक हार्डर देन एक्सपेक्टेड। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि जो आपने यहाँ पे एनालिसिस की है, कहने का मतलब यहाँ पर जो बिजनेस एनालिटिक्स आपने यूज़ किया है, ये प्रॉपरली आपका क्या हो, लाइक एक्सपेक्टेड से हिसाब से आपका डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर हो गया हो, जिसके वजह से कॉम्पिटिटर्स से फाइट बैक करने में बहुत मुश्किल आई बाद में। ओके, एंड लास्टली सोशल एंड गवर्नमेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट क्या कर देती है, पॉलिसीज बाद में चेंज कर देती है एंड वी हैव टू टेक डाउन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, तो अगर कोई नया प्रोडक्ट है, क्योंकि इतना वैसे ही बहुत ज़्यादा खर्च होता है इनिशियली,
दैट्स वाई प्राइस स्कीमिंग का नाम सुना होगा आपने, प्राइस स्कीमिंग। शुरू में कॉस्ट बहुत ज़्यादा रखते हैं कि भाई जितना ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि डिमांड उस समय बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट घुसा सकते हो उतना घुसा लो, बाद में क्या कर देंगे, प्राइस उसका डाउन कर देंगे, ठीक है। सो सिंपली उस समय प्रोडक्ट को बस क्या करना है, सस्टेन करवाना है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस स्कीमिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर देखी जाती है। गवर्नमेंट क्या कर देती है, बाद में पॉलिसीज चेंज कर देती है। पॉलिसीज चेंज करने की वजह से हमें प्रोडक्ट को टेक डाउन करना पड़ जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ओके। अब टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये सब देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, भले इसको मत पढ़ो, काट देना इसको। लेकिन दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फेलियर्स। एक होता है गो एरर। गो एरर कहने का मतलब व्हेन कंपनी अपहोल्ड्स अ पुअर आइडिया, मतलब आइडिया पुअर है बट फिर भी उसी आइडिया पे क्या कर रही है, कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर चल रही है। एंड अनदर इज ड्रॉप एरर। ड्रॉप एरर मतलब व्हेन कंपनी डिसमिसेस अदरवाइज अ गुड आइडिया, कहने का मतलब कि वो आइडिया अच्छा है लेकिन कंपनी ने क्या कर दिया, उसको ड्रॉप कर दिया। तो दैट इज़ नोन एज ड्रॉप एरर। एंड एक क्या हो जाता है, गो एरर। दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को समझिएगा। लास्टली बात करते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग, कि भाई टेस्टिंग कैसे की जाती है। एक होता है अल्फ़ा टेस्टिंग। अगर आप अपने फॉर्म के अंदर ही टेस्टिंग करते हो, दैट इज़ अल्फ़ा मार्केटिंग, सॉरी अल्फ़ा टेस्टिंग। जैसे आज हमने ऐप बनाया, ब्रिनरी का ऐप बना, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लो अगर चार लोग आज काम करते हैं तो हम चारों के मोबाइल में क्या करते हैं, एक साथ इंस्टॉल करके देखते हैं। हम आपको पहले नहीं देते कि भाई तुम हमारा क्या करो, ऐप यूज़ करो, उसको देखो कहाँ कहाँ पर गलती आ रही, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, वी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम। बट यहीं पर अगर ये कोई और टाइप का ऐप होता है जहाँ पे हम टारगेट कर रहे होते हैं ओल्ड पीपल को, क्योंकि वो खाली बैठे रहते हैं, तो हम उनको दे सकते हैं कि भाई आप इसको यूज़ करो। या फिर व्हाट्सएप को देखते होगे आप, बीटा अपडेट्स आते हैं। बीटा अपडेट्स मतलब कंपनी अपने कुछ गिने चुने कस्टमर्स को क्या करती है, एनलिस्ट करती है, या फिर जिनके पास हाई एंड फ़ोन्स हैं या लो एंड फ़ोन्स हैं उनको क्या करती है, वो टारगेट करती है और उनको एनलिस्ट करके सिर्फ उन्हीं के लिए क्या करती है, वो अपडेट्स निकालती है, ओके। सो उन्होंने एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर दिया और उस प्रोटोटाइप को एक पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप में क्या कर दिया, सर्कुलेट कर दिया। सो अपने फॉर्म के बाहर भी उसकी टेस्टिंग हो जाती है, दैट इज़ नोन एज बीटा टेस्टिंग, ओके। और उनसे कंटिन्यूस फीडबैक लेने लग गए कि बताइए फीडबैक कैसा है या फिर कहाँ कहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में समझ में आ गया, ओनली विद इन द फॉर्म, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है। टेस्ट मार्केटिंग, देखो टेस्ट मार्केटिंग अब कैसे है, मतलब कैसे इसकी मार्केटिंग है, स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट्स, कंट्रोल टेस्ट मार्केट्स, स्टिमुलेटेड टेस्ट मार्केट एंड सेल्स वेब, ठीक है। इसको नॉर्मली पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, सो नॉर्मली आप रीडिंग लगा सकते हो, ठीक है, मैं आगे स्किप कर रहा हूँ उसको। अब क्रिएटिविटी, देखो नए प्रोडक्ट को क्या करना है, हमें डेवलप करना है, तो ऑफकोर्स आपके एम्प्लॉयज़ में उसके लिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी नहीं रहेगी तो भाई नए कॉन्सेप्ट्स कहाँ से लेकर आओगे, चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज कैसे करोगे, या फिर अगर कोई नया आइडिया इम्प्लीमेंट हो सकता है तो कैसे करोगे, ओके। सो दैट्स वाई वेरियस स्किल्स आर रिक्वायर्ड, देर आर वेरियस की स्किल्स एंड वन ऑफ द कोर की स्किल इज़ क्रिएटिविटी इन योर एम्प्लॉयज़, तभी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस प्रोडक्ट का कर पाओगे। दैट्स वाई देखना किसी का R&D में सिलेक्शन होता है ना, सो ही इज़ वेरी क्रिएटिव। जब भी ऐसे लोगों का इंटरव्यू होता है ना, दे ओनली सी द क्रिएटिविटी ऑफ पीपल, दे डोंट टेस्ट देयर नॉलेज, ओके। इट इज़ ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी, ओके। सबसे पहला क्या है, एट्रीब्यूट लिस्टिंग, ये चीज़ ध्यान में रखिए, उनको एट्रीब्यूट को लिस्ट करना आना चाहिए। कहने का मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है उनको पार्ट बाई पार्ट करना आना चाहिए, ओके, उनके लिए, और हर एक पार्ट के लिए उनको ऑल्टरनेटिव थिंक करने का है। समझ में आया, जैसे आज लोगों ने क्या बोला कि सर आपका ऐप है ना रोटेट नहीं होता, ठीक है, तो हमने क्या कहा, ठीक है हमने सारे प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया, अब हमने स्प्रेड कर दिया कि भाई डॉक्यूमेंट व्यू का अलग सेक्शन बना दो, रोटेशन का अलग सेक्शन बना दो, फिर वीडियो वॉचिंग का अलग सेक्शन बना दो, टेस्ट का अलग सेक्शन बना दो। सो दैट इज़ नोन एज एट्रीब्यूट लिस्टिंग, ठीक है, हमने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया और हर एक सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ऑल्टरनेटिव क्या कर रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फीचर्स, दैट इज़ नोन एज एट्रीब्यूट लिस्टिंग। तो भाई ये स्प्लिट करना आना चाहिए कि रियली में कैसे स्प्लिट करना है। नेक्स्ट इज फोर्स्ड रिलेशनशिप्स। फोर्स्ड रिलेशनशिप कहने का मतलब कि आपके पास ऐसी क्रिएटिविटी है कि भाई ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करके आप रिलेशन ज़रूरी बिठा दोगे। कुछ लोगों को देखते होगे ना, भले कुछ आता पता नहीं होता लेकिन ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ एक रिलेशन बिठा देते हैं। सो यस दे आर क्रिएटिव, ओके। और ऐसी चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी काम आती हैं, ओके। थर्ड वन इज़ मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट। देखो मैंने इसी वर्ड के लिए ये पूरा का पूरा टॉपिक बताया, क्रिएटिविटी अमंग एम्प्लॉयज़, ठीक है।
अब ये मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस क्या होता है? देखो, कभी भी कोई एक पार्ट हमें क्या करना होता है, डेवलप करना होता है ना, सो देर आर वेरियस वेज, जिस तरीके से या फिर अलग अलग तरीके से हम उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सो ये अलग अलग तरीका होता है ना, इसका ही एनालिसिस ही क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। जैसे ये देखो, हमें क्या करना है, एक प्रोडक्ट रेडी करना है। हमने क्या कर दिया, अलग अलग एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए, 1 2 3 4 5, वी हैड डिफाइंड द 5 एट्रीब्यूट्स। और पांचों के पांचों एट्रीब्यूट्स में अलग अलग क्या थे अपने पास, ऑप्शंस थे, यस और नो। अब इन सारे ऑप्शन से हमें क्या करना है, टेक डाउन करना है कि भाई कौन कौन से फिजिबल ऑप्शंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हमने इसमें से पहला ले लिया, इसमें से भी पहला ले लिया, इसमें से दूसरा ले लिया, इससे इसमें तीसरा ले लिया, फिर वापस दूसरा ले लिया, एंड लास्टली थर्ड वन लेके हमने ये प्रोडक्ट को क्या कर दिया, एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि भाई एक कॉन्सेप्ट तो इसको डिज़ाइन करने का ऐसा है। और इसका फिर फर्दर एनालिसिस करो कि भाई इसके प्रोडक्शन में कितना खर्चा आएगा, इस कॉन्सेप्ट में और मार्केटिंग में कितना खर्चा आएगा, या फिर हम किस तरीके से इसको और डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक तो तरीका हो गया ये, दिस इज़ वन कॉन्सेप्ट। सो देयर कैन बी सेवरल कॉन्सेप्ट दैट कैन बी डिटरमाइंड फॉर द सेम प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, सो दिस इज ओनली नोन एज द मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ओके, इन्वेस्टिगेशन होता है कि भाई कौन कौन से प्रोसेसेस करेक्ट हो सकते हैं, फिजिबल हो सकते हैं। सेकेंड, फोर्थ वन इज रिवर्सल एजम्पशन एनालिसिस। मतलब आप क्या करते हो, इंक्लूड्स द रिवर्सिंग द एग्जिस्टिंग एजम्पशन। आप जो अभी करेंट एजम्पशन लेकर चल रहे हो, आप उसको पूरा रिवर्स करके क्या करते हो, वापस एनालिसिस करते हो। सिंपली ऐसे री इंजीनियरिंग करके आप सोच सकते हो, या रिवर्स इंजीनियरिंग सोच सकते हो, ठीक है। उसके बाद न्यू कॉन्टेक्स्ट, आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सोचना होता है। इट इज टेकिंग द एग्जिस्टिंग और नोन प्रोसेस और सर्विस एंड पुट इट इनटू अ न्यू कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, यूज फॉर बैटरीज विच कैन बी रिप्लेस्ड एट चार्जिंग स्टेशंस टू सेव टाइम। मतलब आपको चार्ज करने से बढ़िया है कि आप चार्जिंग स्टेशन पे क्या कर दो, बैटरी को ही रिप्लेस करवा दो। आज सिलेंडर होता है ना, किसी और का सिलेंडर आप क्या कर देते हो, चेंज करवा देते हो। इन द सेम मैनर आप क्या करते हो, आप सीधा सीधा बैटरी रिप्लेस करवा दो चार्जिंग स्टेशन पे। तो ये एक नया कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जो कि रियली में अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, एंड लास्टली माइंड मैपिंग्स। माइंड मैप, देखो माइंड मैप क्या होता है, कभी आप रिविजन करते हो तो आप टॉपिक्स के बीच में लिंक करना स्टार्ट करते हो। तो यही है कि भाई अगर आप इस पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पूरे प्रोसेस को आपस में क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, दैट इज़ द ग्रेट थिंग विच यू कैन डू। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं किसमें, क्रिएटिविटी में। ये तो बता दिया मैंने। प्रोडक्ट एडॉप्शन प्रोसेस, भाई एडॉप्ट कैसे करते हो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अवेयरनेस, सबसे पहले आप अवेयर करोगे, फिर कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट गेन करवाओगे, फिर कस्टमर खुद इवेल्युएट करेगा, फिर उसको ट्राई करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और बताएगा कि भाई वेदर इट इज़ वैल्यूएबल फॉर देम और नॉट, एंड लास्टली जाकर वो क्या करेगा, उसको अडॉप्ट करेगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ एडॉप्शन की। कैटेगरीज ऑफ अडॉप्शन कहने का मतलब कि भाई कौन कैसे कैसे टाइप के क्या है कस्टमर हैं जो उसको रियली में क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। इसमें बाकी सी चीज़ों आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, देख सकते हो, यहाँ पर देखो सारा का मतलब लिख रखा है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लैगर्ड्स। लैगर्ड्स का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर्स अवॉइड चेंजेस। कहने का मतलब आज आप किसी को जाके बोलोगे ना, भाई ये लो नया प्रोडक्ट यूज़ करो, पुराना छोड़ दो, वो लेकिन नहीं, मेरे लिए पुराना ही ठीक है, मैं कभी नया यूज़ करूँगा ही नहीं। जैसे जनरली ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं, जनरली उनके साथ ऐसा होता है, उनको बोलोगे लो स्मार्टफोन यूज़ करो तो वो नहीं कर पाएंगे, वो कुछ भी हो जाए वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो मेरे स्मार्टफोन के लिए जो ओल्ड एज पीपल हैं वो क्या हो जाएंगे, लैगार्ड्स, ठीक है। तो ये एक मतलब है जो मुझे आपको बताना था। ओके, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, देखो मैंने ऑलरेडी CRM में ग्रेट डिटेल में सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है, यहाँ पर अननेसेसरी टाइम खराब नहीं करूँगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ग्रोथ स्टेज में आपका फोकस होता है इन द राइजिंग प्रॉफिट्स, मैच्योरिटी में हाई प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट शेयर में, यहाँ पे आप मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश करते हो, यहाँ पर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो, ठीक है। ग्रोथ स्टेज में आप मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हो, मैच्योरिटी फेज में अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने की कोशिश करते हो प्राइस को कॉम्पिटिटिव बनाकर। ग्रोथ स्टेज में आपकी जो एडवर्टीजमेंट या फिर आपकी जो मार्केटिंग, जो आप बोल सकते हो वो मास मार्केटिंग यूज़ करते हो, ठीक है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है भाई, प्रोडक्ट अवेयरनेस, दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड मैच्योरिटी फेज में आपके आप ब्रांड के बीच में डिफरेंसेस बताना स्टार्ट करते हो, ठीक है, कि भाई हमारे में ये डिफरेंस है, उनके में ये डिफरेंस है। आप इस स्टेज में आ जाते हो मैच्योरिटी स्टेज में, ठीक है। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बस एक बार बता दिया। इन्हीं इन्हीं पॉइंट्स पे क्या कीजिएगा, बस फोकस कीजिएगा। ओके,
और भी बहुत टाइप के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि भाई शुरू में ग्रोथ दिखाते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं एंड बाद में सैचुरेट हो जाते हैं। सो दे आर नोन एज ग्रोथ, स्लम्प, मैच्योरिटी। फिर होता है साइकिल रिसाइकल, मतलब ये बार बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसा क्या करते हैं, फेज शो करते हैं। एंड लास्टली स्केलोप्ड, स्केलोप्ड देखो नाम में क्या है, स्केल मतलब ये इंक्रीज करता जाएगा धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे नई डिस्कवरीज होते जाएंगी, नए नए करेक्टरिस्टिक्स ऐड होते जाएंगे, सेल्स क्या करता जाएगा, इंक्रीज ही होता जाएगा, नीचे डाउन नहीं होगा, जैसे एमआई कंपनी के साथ हुआ था शुरू में। ओके, सो नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में। लेट अस सी।